काशीपुर के मैक्स अस्पताल में नॉर्मल डिलीवरी का झांसा देकर अस्पताल के डॉक्टरों ने गर्भवती का जबरन प्रसव कराने का प्रयास किया, जिससे गर्भवती की हालत बिगड़ गई। उसके बाद गंभीर अवस्था में गर्भवती को एक दूसरे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने ऑपरेशन कर महिला के पेट से मृत शिशु को बाहर निकाला। इस दौरान पीड़िता के परिजनों ने इसकी शिकायत मुख्य चिकित्सा अधिकारी से की, जिसके बाद ACMO ने अस्पताल का निरीक्षण किया और मानकों में कमी को देखते हुए मैक्स अस्पताल को सील कर दिया। आपको बता दें कि कचनाल गाजी गड्ढा कॉलोनी निवासी मुस्तकीम ने ITI थाना पुलिस और मुख्य चिकित्सा अधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर कहा था कि बीते 11 जून को उसने अपनी गर्भवती पत्नी खुशनुमा को जसपुर खुर्द स्थित मैक्स मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में भर्ती कराया था। डॉक्टरों ने उसकी नॉर्मल डिलीवरी कराने का आश्वासन देकर 7,000 रुपए की रकम जमा कर ली थी, लेकिन अचानक डॉक्टरों ने उनसे बड़ा ऑपरेशन करने की बात कहते हुए 50,000 रुपए का खर्च बताया, जबकि उसने ऑपरेशन कराने के लिए मना कर दिया। इस दौरान वह अस्पताल में भर्ती अपनी पत्नी से मिला तो खुशनुमा दर्द से कराह रही थी। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि डॉक्टर ने उसके साथ अभद्रता भी की है। उसके बाद हालत बिगड़ने पर पीड़िता को मुरादाबाद रोड स्थित एक निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने ऑपरेशन कर महिला के पेट से मृत नवजात को बाहर निकाला। मामले में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुनीता रतूड़ी ने ACMO डॉक्टर हरेंद्र मलिक को जांच सौंप दी है। ACMO डॉक्टर हरेंद्र मलिक ने नायब तहसीलदार BC आर्या और ITI थाना के SI प्रदीप भट्ट के साथ मैक्स मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में जांच की। प्रथम जांच में अस्पताल का रजिस्ट्रेशन ही गलत पाया गया। डॉक्टर मलिक ने बताया कि अस्पताल का रजिस्ट्रेशन मैक्स हॉस्पिटल और डॉक्टर का नाम डॉक्टर अर्जुन सिंह के नाम से है, जबकि मौके पर अस्पताल का नाम मैक्स मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नाम से बोर्ड लगा पाया गया है। वहीं अस्पताल में स्टाफ भी 12वीं पास ही मिला। वहीं मौके पर हॉस्पिटल के मालिक इदरीश हक मिले। इसके अलावा अस्पताल में महिला डॉक्टर और अन्य कोई डॉक्टर नहीं मिला। जांच में जिस डॉक्टर के नाम से अस्पताल का रजिस्ट्रेशन था, वह मुरादाबाद रोड स्थित एक निजी अस्पताल में प्रैक्टिस करते हैं, जिन्हें टीम ने फोन कर अस्पताल बुलाया। इसके अलावा अस्पताल का OT रूम, ICU और अस्पताल में लगे सभी बेड मानकों के विपरीत थे। वहीं जांच अधिकारी डॉक्टर मलिक ने मौके पर पीड़िता और उसके परिजनों को बुलाकर बयान दर्ज किए, जिसके बाद टीम ने अस्पताल को सील कर दिया।